डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डाउटनेट। आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं उसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जी हाँ, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8 हम करने वाले हैं। अभी तक हमने पिछली वीडियोस में बहुत सारे टॉपिक्स इस चैप्टर से कवर कर लिए। इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बाद हम करेंगे साइटोस्केलेटन, देन हम आज डिस्कस करेंगे सीलिया और फ्लैजेला को, और उसी के साथ साथ हम सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले राइबोसोम से। तो राइबोसोम्स जो हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। हमने जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कस किया था तब हमने देखा था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अब राइबोसोम्स जो हैं ये कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होते हैं। जब इन्हें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया था तो देखा गया कि ये जो हैं ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स हैं और ये अपीयर होते हैं डेंस पार्टिकल्स की तरह। और जिस साइंटिस्ट ने इसे देखा था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर उनका नाम था जॉर्ज पेलैड, और ये हुआ था इन द ईयर 1953 में। अब उसके बाद इन्होंने ये बताया कि जो राइबोसोम्स हैं ये मिलकर बने होते हैं आपके राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए से और कुछ प्रोटीन से, एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, और किसी मेम्ब्रेन से ये क्या होते हैं? सराउंडेड नहीं होते। अब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो कैसा होता है? वो होता है आपका ATS। और जो प्रोकैरियोट यानी कि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं आपके 70S। अब यहाँ पे ये जो 80S और 70S है इसमें ये जो S है ये क्या शो करता है? ये S स्टैंड करता है आपके सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के लिए, यानी कि ये क्या करता है? इसकी डेंसिटी और साइज को मेजर करने के लिए एक कोएफिशिएंट है जिसको हम बोलते हैं S। तो ये उस चीज़ का काम करता है टू मेजर दी डेंसिटी एंड साइज। तो दोनों ही जो हमारे 70S और 80S राइबोसोम्स हैं वो किससे मिलकर बने हैं? दो सब यूनिट से मिलकर बने हैं। तो टू सब यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं? टू सब यूनिट से मिलकर बने हैं हमारे दोनों ही राइबोसोम। पहली होती है लार्जर सब यूनिट और दूसरी होती है आपकी स्मॉलर सब यूनिट। तो ये था राइबोसोम। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। इतना ही है इसमें, इन डिटेल आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए राइबोसोम इतना ही है, आगे चलते हैं साइटोस्केलेटन पे। तो साइटोस्केलेटन क्या होते हैं, कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, किस चीज़ में काम आते हैं, ये सब हम देखेंगे। तो साइटोस्केलेटन क्या होता है? कुछ फिलामेंटस जो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो आपस में एक नेटवर्क बनाते हैं, और ये नेटवर्क बनाकर कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। और इनको ही ये जो फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर हैं ये जब नेटवर्क बना देते हैं तो ये क्या करते हैं? आपस में इकट्ठे होके इनको टर्म दी जाती है साइटोस्केलेटन, ठीक है। और इनका मेजर फंक्शन क्या होते हैं? ये जो साइटोस्केलेटन है सेल के अंदर वो बहुत सारे फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है। पहला फंक्शन है इसका मैकेनिकल सपोर्ट, दूसरा है मोटिलिटी, मूवमेंट में भी ये काम आता है, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल, सेल की शेप के लिए भी साइटोस्केलेटन जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये मेजर फंक्शन है। अब ये जो डायग्राम दिया गया है यहाँ पे ये क्या है? ये हमारे सीलिया के डायग्राम है, ठीक है, सीलिया और फ्लैजेला का। नेक्स्ट जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है सीलिया और फ्लैजेला। तो राइबोसोम और स्केलेटन, साइटोस्केलेटन जो है ये बहुत ही छोटे टॉपिक्स थे। अब नेक्स्ट है यहाँ पे सीलिया एंड फ्लैजेला। तो जो सीलिया होता है और फ्लैजेला होते हैं वो क्या है? ये दोनों ही हेयर लाइक आउटग्रोथ्स हैं सेल मेम्ब्रेन की। जो सेल मेम्ब्रेन है उसी के बाहर क्या होते हैं? कुछ आउटग्रोथ होती है जो कि हेयर लाइक होती है, और इनको हम कहते हैं सीलिया और फ्लैजेला। दोनों ही आउटग्रोथ्स हैं सेल मेम्ब्रेन की। सीलिया जो हैं ये छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओर्स कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर दी सेल और दी सराउंडिंग फ्लूइड। या तो ये क्या करते हैं? सेल को मूव कराने में हेल्प करते हैं, या फिर जो आस
सेल के आसपास का फ्लूइड है उसको मूव कराने का काम करते हैं। नेक्स्ट है फ्लैजेला। फ्लैजेला जो हैं वो सीलिया के मुकाबले थोड़े बड़े होते हैं और इनका काम होता है ये सेल को मूव कराते हैं। तो सेल मूवमेंट के लिए ये फ्लैजेला जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है उसके अंदर क्या होता है, फ्लैजेला जो है वो पाया जाता है, बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूकैरियोटिक फ्लैजेला। जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में फ्लैजेला पाया जाता है वो यूकैरियोटिक से अलग होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जब सीलिया और फ्लैजेला को स्टडी किया तो देखा गया कि ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं और इनकी जो कोर मेम्ब्रेन है, जो कोर है, जो आउटर लेयर है उसको कहते हैं एक्जोनीम। ये क्या करती है, इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलली रन करते हैं टू दी लॉन्ग एक्सिस। अगर यहाँ डायग्राम में देखें तो यहाँ पे बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे के पैरेलली रन कर रहे हैं, तो इसी को बोला गया है, जो आउटर कोर है उसको एक्सोनीम कहते हैं और इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलली रन करते हैं टू द लॉन्ग एक्सिस। जो एक्सोनीम है उसके अंदर क्या होता है, एक्सोनीम के अंदर यूजुअली 9 पेयर्स पाए जाते हैं ऑफ किस चीज़ के, डबलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इसके 9 पेयर्स पाए जाते हैं डबलेट की फॉर्म में और उसी के साथ साथ एक पेयर पाया जाता है सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल का। डायग्राम में दोबारा से देखेंगे, ये जो है ये क्या है, सेंट्रल ट्यूब्यूल है और इसी के आसपास क्या है, रेडियली जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं और ये 9 पेयर्स हैं इनके और ये डबलेट फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनीमल माइक्रोट्यूब्यूल इज रेफर टू एज 9+2 एरे। इन्हें क्या कहा जाता है, 9+2 एरे कहा जाता है। क्यों, क्योंकि 9 पेयर्स हैं और 2 इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डबलेट की फॉर्म में। ये जो पार्ट है ये इम्पॉर्टेंट है आपके नीट पर्सपेक्टिव से, इससे क्वेश्चन आता है तो ये ध्यान से समझने वाला टॉपिक है। देन द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस। जो सेंट्रल ट्यूब्यूल है वो कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से, ब्रिजेस की हेल्प से, एंड ऑल्सो एनक्लोज बाय अ सेंट्रल शीथ। एक सेंट्रल शीथ के अंदर वो क्या है, एनक्लोज है, विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट बाय अ रेडियल स्पोक। अब ये क्या है, एक रेडियल स्पोक की हेल्प से क्या हो रहा है, सेंट्रल शीथ से कनेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर कितने स्पोक्स प्रेजेंट होंगे, जब ये क्या कर रहा है 9 पेयर हैं तो 9 ही रेडियल स्पोक भी प्रेजेंट होंगे। दस देयर आर 9 रेडियल स्पोक्स। द पेरिफेरल डबलेट्स आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। जो डबलेट हैं, जो 9 पेयर्स हैं, वो भी क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। किसकी हेल्प से, लिंकर्स की हेल्प से। अब ये जो सीलिया और फ्लैजेला है दोनों ही कहाँ से निकलते हैं, सीलियम एंड फ्लैजेलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियल लाइक स्ट्रक्चर। सेंट्रियल के जैसे एक स्ट्रक्चर से ये दोनों निकलते हैं और उसको कहते हैं बेसल बॉडीज। ये जो सेंट्रियल लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, हमारा बेसल बॉडी। तो ये था सीलिया एंड फ्लैजेला। इसमें ये जो एक्सोनीम वाला पार्ट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसी के साथ साथ सीलिया और फ्लैजेला का क्या क्या फंक्शन है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट है यहाँ पे सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रोजोम क्या है, सेंट्रोजोम भी एक ऑर्गेनिल है जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और उनको कहते हैं सेंट्रियोल्स। जी हाँ, सेंट्रोजोम एक ऑर्गेनिल है जिसके अंदर 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हैं और उनको कहते हैं सेंट्रियोल। दे आर सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरिसेंट्रियल मटेरियल्स। बोथ दी सेंट्रियोल्स इन अ सेंट्रोजोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जो सेंट्रियोल है किसके अंदर, सेंट्रोजोम के अंदर, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। इन विच ईच हैज ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टव्हील। दोनों के अंदर कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, कार्टव्हील कि जैसे ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूब्यूलिन। अब ये किससे मिलकर बने हैं, ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये मिलकर बने हैं 9 इवनली स्पेस्ड
पेरिफेरल फिब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन. अब ट्यूबुलिन एक प्रोटीन है, उससे मिलकर ये बने हैं. ईच ऑफ द पेरिफेरल फिब्रिल इज अ ट्रिपलेट. अब एक फिब्रिल जो है वो कितना है, ट्रिपलेट है, यानी कि तीन से बना है. टोटल कितने हैं इसमें, नौ. और एक फिब्रिल जो है वो किस, वो कैसा है, वो ट्रिपलेट फॉर्म में है, यानी कि तीन की फॉर्म में है. द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर ऑल्सो लिंक्ड. जो ट्रिपलेट्स हैं वो भी क्या हैं, लिंक्ड है एक दूसरे से. देन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रियोल, जो सेंट्रियोल है उसका जो सेंटर वाला पार्ट है, सेंटर का पार्ट, उसको वो कैसा है, वो भी प्रोटीनेशियस है, यानी कि प्रोटीन से मिलकर बना है. और उसको कहते हैं हब. सेंटर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, हब. और ये जो सेंटर का पार्ट है यानी कि हब, वो कनेक्टेड है टिब्यूल से. जो पेरिफेरल ट्रिपलेट्स हैं उनके टिब्यूल से ये कनेक्टेड है, किसकी हेल्प से, बाय रेडियल स्पोक. और ये रेडियल स्पोक भी मिलकर बने हैं प्रोटीन से. ठीक है, तो क्या है, सेंट्रल पार्ट कहते हैं हब. अब ये हब जो है ये पेरिफेरल ट्रिपलेट के टिब्यूल से कनेक्टेड है, किसकी हेल्प से, रेडियल स्पोक की हेल्प से. जैसे ही सीलिया और फ्लैजिला में हमने देखा था, सिमिलरली एक्सोनीम जैसा ही स्ट्रक्चर है इसमें. और ये जो रेडियल स्पोक है ये मिलकर बने हैं प्रोटीन से. जो सेंट्रियोल्स हैं वो क्या बनाते हैं, सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ द सीलिया और फ्लैजिला. जो सीलिया और फ्लैजिला है उसकी जो बेसल बॉडी है, यानी कि बेस जो है वो कौन बनाता है, सेंट्रियोल्स बनाते हैं. एंड उसी के साथ साथ सेंट्रियोल बनाते हैं आपके स्पिंडल फाइबर्स दैट गिव राइज टू स्पिंडल अपैरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स. ये जो सेंट्रियोल्स है इससे आपके स्पिंडल फाइबर्स भी बनते हैं. और स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, सेल डिवीजन में ये काम आते हैं. और क्या बनाते हैं, स्पिंडल अपैरेटस बनाते हैं. तो ये था सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल. आज की वीडियो में हमने चार टॉपिक कवर किए. चारों ही टॉपिक बहुत छोटे थे लेकिन इम्पॉर्टेंट थे. आई होप आपको ये चारों टॉपिक समझ आए होंगे, इनके फंक्शन समझ आए होंगे. और इसी के साथ साथ ये कहाँ कहाँ रोल प्ले करते हैं वो भी आपको क्लियर हुआ होगा. तो ऐसे ही आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर.